दोस्तों, फिल्मी जगत में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अलग ही राज है और इनकी पूरे वर्ल्ड में गजब की फैन फॉलोइंग है। इसके पीछे फिल्म के एक्टर्स, डायलॉग और वीएफएक्स के साथ साथ डबिंग आर्टिस्ट का भी एक बड़ा हाथ है। ऐसे ही मार्वल की फिल्म गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में भी है, जिसमें हमने ग्रूट को दमदार कॉमेडी करते हुए देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ग्रूट के किरदार को किसने आवाज़ दी है? आप सुनकर चौंक जाओगे कि ग्रूट की आवाज़ को डब करने वाले और कोई नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर विन डीजल हैं। और उन्होंने ग्रूट की आवाज़ देने से पहले कई भाषाओं में आई एम ग्रूट बोलना सीखा, क्योंकि ग्रूट सिर्फ ये तीन वर्ड ही बोल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीन शब्दों को बोलने के लिए विन डीजल 320 करोड़ लेते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि मार्वल की इन्फिनिटी वॉर में एक बार फिर से हमने ग्रूट को सबसे अलग किरदार में देखा था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मार्वल की फिल्मों को देखने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। हाल ही में आई मार्वल की मूवी डेडपुल में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। क्या आपने डेडपुल देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को अपने सभी मार्वल फैन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।